बॉलीवुड कैसेडोवा शाहिद के अगल में कौन सी एक्ट्रेस होती है ये बगल वाली एक्ट्रेस को बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि लिंकअप्स के मामले में अगर शाहिद कपूर को बॉलीवुड का किंग कहा जाए तो इसमें किसी को दो राय नहीं होगी। और आज जूम पर शाहिद कपूर अपने अजब गजब रिलेशनशिप्स की पूरी अपडेट देने वाले हैं। शाहिद ने रिसेंटली खुद कहा था कि वो अब एक्ट्रेसेस को डेट करके थक गए हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली शाहिद का कहना है कि वो अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को डेट नहीं करना चाहते। वेल, तो ऐसे में शाहिद किसे डेट करना चाहते हैं? The one most important thing for an actor is to find normalcy. Mm-hmm. You know, so maybe if you find a girl who's normal, I think the one thing that I really crave as a person is to be like how I was before I became an actor. Spend simple, real, normal moments, which don't happen all the time. But that's not going to happen with you being where you are today, right? Yeah, but maybe if you're with somebody who's not necessarily from the industry. सुना आपने, शाहिद को तलाश है एक नॉर्मल लड़की की जो फिल्म इंडस्ट्री से ना हो। ऐसे में शाहिद की गर्ल फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शाहिद जो कि आजकल सिंगल होने का दावा करते हैं वो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड। वैसे शाहिद कपूर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर जरा फिलोसॉफिकल भी हो गए हैं। आप भी सुनिए रिलेशनशिप एक्सपर्ट शाहिद का रिलेशनशिप्स को लेकर क्या कहना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच अ पॉइंट वेयर देयर इज नो पास्ट बैगेज व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर नॉट नीडी ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज़ व्हेन यू आर नीडी ऑफ अ रिलेशनशिप इट्स लाइक यू आर पुटिंग यू लुक एट इट डिफरेंटली, एंड इट्स योर ओन इमोशनल नीड व्हिच इज मेकिंग यू गेट इनटू a relationship. I think you should ideally get into a situation where you can just be with somebody because you love them and not need anything from them essentially, you know. Yeah. वैसे फिलहाल के लिए शाहिद सिंगल है और वो अभी अपनी लाइफ के इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। I'm very happy where I am personally. I don't know. I think I've understood myself a lot more. I think in the last couple of years I've got to spend time with myself. वैसे शाहिद कपूर ने जूम पर एक्सक्लूसिवली ये भी बता दिया है कि अभी फिलहाल रिलेशनशिप से वो जरा थके हुए हैं और समय आने पर वो फिर से इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार रहेंगे। उसे थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दिया जाए। रेस्ट करने के बाद व्हेन ही इज नॉट टायर्ड ही माइट स्टार्ट अगेन, बट लेट हिम रेस्ट। देखो, उसने कमिट नहीं किया है about that. वो सिर्फ ये कह रहा था आई एम टायर्ड, और थके हुए आदमी को रिकवरी का टाइम मिलना चाहिए। Well, शाहिद कपूर को अपने रिलेशनशिप पर और भी क्या क्या कहना है ये जानने के लिए नेक्स्ट वीक बॉलीवुड न्यूज देखना मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।